हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जी एन एल यू के बारे में, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रिजल्ट कैसे चेक करना है और आपको यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी एन एल यू एडमिशन 2023 क्लैट एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। जी एन एल यू एडमिशन 2023 एप्लीकेशन एडमिशन हैज़ बीन डन ऑन द बेस ऑफ क्लैट 2023। तो क्लैट के बेस पे जो आपका एडमिशन होगा उस एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्ट कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेट पे कौन सी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेड एज जी एन एल यू। तो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंटेड किया जाता है जी एन एल यू के नाम से। ये एक लॉ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डायरेक्टरेट लेवल के प्रोग्राम हैं। तो जी एन एल यू इज़ आल्सो अबाउट ऑनलाइन प्रोग्राम लाइक अ डिप्लोमा इन इंटरनेट लॉ एंड पॉलिसी, डिप्लोमा और लॉ एंड मैनेजमेंट, डिप्लोमा प्रोग्राम इन एडवांस इंटर पार्टनरशिप्स और मैनेजमेंट एंड कोऑपरेट ला, डिप्लोमा इन स्पोर्ट ला, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम। और यहाँ पे आपका ये इंस्टीट्यूट जो स्टेब्लिश किया गया 2004 में किया गया, इस आर्टिकल के थ्रू आप जी एन एल यू के एडमिशन के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फ़ीस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में और कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में इस आर्टिकल के थ्रू डिटेल से जान सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 1 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए तो आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और एडमिशन ले लेना है। यहाँ पर हाईलाइट दिया गया है जी एन एल यू का, यूनिवर्सिटी का नाम है, फुल नेम आपका गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यूजी पीजी पीएचडी कोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं यहाँ पे ऑफर्ड है और स्टेट आपका गुजरात, कंट्री इंडिया और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, इवेंट है एंड डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका आउट हुआ 8 अगस्त 2022 को और एग्ज़ाम डेट है आपका 18 दिसंबर 2022 को। और भी डेट अनाउंस नहीं किए गए इसकी वजह से यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, अगर अनाउंस कर दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 8 अगस्त को आपको रिलीज़ कर दिया गया। तो आपको LLB LLM किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले CLAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और जिस भी प्रोग्राम के लिए आप करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, उसको आईडी और पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। फिर अपना पर्सनल डिटेल्स दे देना है, एकेडमिक डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स, ये सब फिल करने के बाद अपना फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स में आपका कैटेगरी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मिकल डॉक्यूमेंट्स और फोटो सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। और यहाँ पे आपका UGC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए, 12th पास सर्टिफिकेट लगेगा। अगर PG के लिए कर रहे हैं तो आपका LLB 5 years का या फिर LLB 5 years का जो आपने क्वालिफाई किया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी आपका 4000 रुपीज़ लगने वाले हैं जनरल OBC वालों के लिए और रिजर्व कैंडिडेट के लिए आपका 3500 रुपीज़ और
एमबीए के लिए आपका 1500 रुपीज़, एसटीएससी वालों के लिए, और जनरल ओबीसी वालों के लिए 2000 रुपीज़ लगेंगे। तो यहाँ पे पीएचडी के लिए दिया गया है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं यहाँ पे दिया गया है, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, और 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट चलेगा रहेगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यूजी के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए, एसटीएससी वालों के लिए 40%, और पीजी वालों के लिए यहाँ पे एलएलबी क्वालिफाई होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, 50% एसटीएससी वालों के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके अपना सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, वहाँ पे अपना सिलेबस देख लेना ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करते हैं, तो एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड फिल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, जो कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान काम आएगा, एडमिशन प्रोसेस के दौरान। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट की, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना, अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर फिल करके सबमिट कर देना है, रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर रख लेना है, जो कि आपको काउंसलिंग में काम आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग की, तो आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो होगा उसी के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं क्लैट